हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है इमरान और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि YouTube सेटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आप अगर YouTube चैनल बनाए हैं तो आपके YouTube चैनल में बहुत सारी सेटिंग जो है ऐसी होती है जो बंद होती है, जो सेट नहीं होता है, सब आपको सेट करना पड़ता है। तो मैं वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जो इस वीडियो में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो में। पहले क्रोम ब्राउज़र आप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आपको लिखना है youtube.com, इसको सर्च कर देना है। इस तरह से आपका YouTube ओपन हो जाएगा। फिर ये थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे लिखा डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक करना है। इसे करने से आपका जो स्क्रीन है वो कंप्यूटर जैसा पूरा ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ फिर उसको जूम करके थोड़ा सा अपने चैनल में जाना है। अपने चैनल के लोगों को क्लिक करें, योर चैनल पर क्लिक करें। यहाँ पर कस्टमाइज चैनल लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। आपको थोड़ा जूम करके यहाँ पे नीचे जाना है लास्ट में। यहाँ पे देखिए एक सेटिंग है, इस सेटिंग को ओपन करना है। फिर यहाँ पे अपने चैनल पे जाना है, यहाँ पे लिखा है चैनल, इस पर क्लिक करना है आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, इसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कीबोर्ड लिखा हुआ है, इस पर आप यहाँ पर अपने यूट्यूब का नेम जो भी है यहाँ पर आपको टाइप करना है, आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं आपको लिखे दिखा भी देता हूँ और नीचे यहाँ पर जैसे इमरान यूट्यूब क्रिएटर में लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे ये जो ये ग्रीन वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ऐसे बन के आ जाएगा। तो आपको लगता है कि जैसे आपका जो भी नाम है, आपका नाम जैसे आप क्या लोग सर्च करते होंगे आपको यूट्यूब पे, तो वैसे ही अपना नाम इसे थोड़ा आपका थोड़ा आगे पीछे नाम कर करके, जैसे मैं लिखा हूँ इमरान यूट्यूब चैनल, इमरान यूट्यूब चैनल, तो ऐसे ऐसे जैसे आपका जो भी होगा आपका नाम, उसके हिसाब से आप जैसे लगता है कि पब्लिक कैसे कैसे सर्च कर सकती है आपका नेम, आपका नाम कैसे सर्च कर सकती है यूट्यूब पे। तो इस तरह से आप अपने अपनी मर्ज़ी से जो आपको ठीक लगे कि हाँ लोग ये लिखते होंगे आपके नाम के बारे में, थोड़ा उल्टा भी लिख सकते हैं, थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपको लगता होगा कि लोग इस तरह से मेरा नाम सर्च करते होंगे, तो यहाँ पर आपको वो पूरा नाम लिखना है उस तरह से, ताकि लोग जो भी अगर आपको आपका नाम लिखेंगे सर्च करेंगे तो इसमें मैच करना चाहिए, इसमें एक नेक होना चाहिए। तो आपका ये नाम उसमें सर्च करेंगे तो आपका जो भी चैनल रहेगा फटाफट आपका शो कर देगा वहाँ पर। तो इसका ये फ़ायदा है कीबोर्ड का कि आप यहाँ पर अपना बहुत सारा जो भी नाम लिख देंगे, ताकि कोई भी अगर नाम लिखे आपका तो वहाँ पे फटाफट वहाँ पे शो कर दे। तो बहुत सारे डिज़ाइन से मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है एडवांस सेटिंग, इसमें जाना है आपको। इसमें जाने के बाद यहाँ पे नीचे सब्सक्राइबर का वो रहता है ऑप्शन, यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर काउंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबके ऊपर यहाँ पे ऐसा टिक लगा रहेगा ऐसा, लेकिन मैं इसे टिक कर देता हूँ, ताकि ऐसे क्या है कि जो भी नए जो भी आते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, वो देखते हैं कि इसका सब्सक्राइबर कितना है। अगर सब्सक्राइबर थोड़ा कम होता है तो उनको लगता है कि इनका सब्सक्राइबर कम है, इसका मतलब कि वीडियो में दम नहीं है, वीडियो अच्छी नहीं बनाया होगा, या तो वीडियो में कुछ खास क्वालिटी नहीं होगी या कुछ भी। तो पब्लिक खाली अपना आपका सब्सक्राइबर ही देख के आपको जज करने लगती है कि आप किस तरह से वीडियो बनाते हैं। हो सकता है आप अच्छी वीडियो ना बनाते हो, आप नए हैं, तो प्लीज़ आप इसको ये अनटिक कर दें, ताकि लोगों को आपको जज करने का मौका ना मिले, आपको ना देखे कि हाँ आप ये कितने पुराने हैं, आपके सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, आपको नहीं बनाने आता होगा वीडियो। वो अपने माइंड में बहुत कुछ सोचने लगते हैं, तो ये करने से आपका सब्सक्राइबर दिखेगा नहीं, तो वो इतना वो दिमाग नहीं लगा पाएंगे अपना। उसके बाद ये करने के बाद आपको फिर जाना है यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट में। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर जाना है एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है लास्ट में, यहाँ पे दिख रहा होगा कैटेगरी लिखा हुआ है, तो आप किस कैटेगरी की वीडियो बनाते हैं, जैसे कि आप फूड के बारे में बनाते हैं, आप खाना कैसे बनाना है इसके बारे में बनाते हैं, तो इसके नीचे ऑप्शन होगा इसके अंदर, तो आप फूड के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करा, दिखाता हूँ आपको करके। यहाँ पर आप कॉमेडी वीडियो के बारे में बनाते हैं, या फिर व्लॉग बनाते हैं, या फिर आप कोई गेमिंग के बारे में कोई वीडियो बनाते हैं, तो या म्यूज़िक के बारे में, स्पोर्ट के बारे में बनाते हैं, कोई न्यूज़ के बारे में बनाते हैं, इस तरह से कोई भी अगर वीडियो बनाते हैं यहाँ पे अगर ऑप्शन है, तो इसे फिर आपको इसमें से एक चूज़ कर लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी की बनाते हैं वीडियोज़। तो इसमें आपको यहाँ पर मैं जैसे बनाता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर बनाता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल वीडियो लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लैंग्वेज, ये भी यहाँ पे भी आपको हिंदी करना है। देखिए मैं दोनों पे हिंदी कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। यहाँ पे देखिए ये सब इसे डालने के बाद, जैसे यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ कैटेगरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डाल दिया हूँ, और यहाँ पे
लैंग्वेज जो लिखा हुआ वीडियो लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी डाल दिया हूँ, टाइटल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस लैंग्वेज ये भी हिंदी डाल दिया हूँ। तो ये सब आपको डालने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। तो इससे ये होगा कि YouTube का जो रहता है, जो YouTube है, ये YouTube का जो मशीन होता है, वो जब देखेगा कि आपका वीडियो जो है ये हिंदी लैंग्वेज में सेट किया हुआ, तो आप जहाँ पे हिंदी बोलने वाले रहते हैं वहाँ पे आपका वीडियो ज़्यादातर आपका वहाँ पे जाएगा, वो भेजेगा वहाँ पे ताकि लोग देखें। और आपकी कैटेगरी कौन सी है, जैसे कि आपकी कॉमेडी वाली वीडियो बनाते हैं या जो भी बनाते हैं, तो इस तरह से उसको मालूम पड़ेगा कि आप कॉमेडी वाली वीडियो बनाते हैं या फिर आप कोई साइंस के बारे में बनाते हैं या जो भी है बनाते हैं, तो उसको सब पता रहेगा ये कौन सी वीडियो किसी एरिया में ज़्यादा चलती है, कौन सी कंट्री में ज़्यादा चलती है, तो इसके हिसाब से वहाँ पे वो उसको भेजेगा ताकि आपकी वीडियो वहाँ पे चले। तो ये सब सेटिंग करने से यही फ़ायदा है। तो इस तरह से आप करके यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपका ये वीडियो जो हो जल्दी वायरल होने का चांस है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।